दोस्तों NCISM की तरफ से नेक्स्ट के एग्जाम को लागू कर दिया गया है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। आप लोग ये सोच रहे होगे कि हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो गया है, नेक्स्ट हमें भी देना पड़ेगा क्या, किस किस को देना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने मार्क्स कंपलसरी हैं नेक्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, और नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है क्या, और कब तक कर सकते हैं, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड, वो आज सभी इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ सॉल्यूशन बता दूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आपको दिख रहा है, एक्चुअली मैंने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर वो जो NCISM का नोटिफिकेशन था ना, बड़ा ऐसे मेरी आंखों में खटक रहा था, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख लिया। सारी की सारी चीज़ें सेम है, उस वो जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं हमें जो इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगी। जी तो सबसे पहले शुरू करते हैं वन बाय वन पॉइंट के साथ में। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट का एग्जाम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, जितने भी डिसिप्लिन हैं अभी किस किस कोर्स के लिए करवाया जा रहा है, अभी करवाया जाएगा ये हमारा आयुर्वेद के लिए, सिद्धा के लिए, यूनानी के लिए और सोवा रिग्पा के लिए। तो जो होम्योपैथी के स्टूडेंट्स थे वो अभी बच गए हैं, होम्योपैथी वालों के लिए ये नहीं आया है। ये आया है अभी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जितने भी कोर्सेज हैं सिर्फ उनके लिए। होम्योपैथी बाहर का माना जाता है तो उसके लिए नहीं आया है ये अभी। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताने लायक थी, इसलिए मैंने आपको बताई। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट क्यों मैंडेटरी है। देखिए जो नेक्स्ट का एग्जाम है दोस्तों, नेक्स्ट का एग्जाम शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। जो आप मान लीजिए BUMS कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, सोवा रिग्पा कर रहे हैं या सिद्धा मेडिसिन कर रहे हैं, तो आपको अगर लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात मैं अगर कहूँ कि आप कोई ऐसी जॉब करो जहाँ पर आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप अपना क्लिनिक चलाएंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम होगा जहाँ पर आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या क्लिनिकल एक्सपोजर आपका होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो लाइसेंस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए, आप इंडियन सिस्टम में कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो लोग ये खुश हो रहे हैं ना कि हम आयुर्वेदा नहीं करेंगे, हम तो होम्योपैथी करेंगे, भाई साहब उसमें नेक्स्ट का एग्जाम नहीं है, रुक जाओ कुछ दिन, सब्र करो, आ जाएगा। इंडिया में जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो, BPT हो, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, कुछ भी हो, सभी में नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू होने वाला है। ये मैंडेटरी हो जाएगा सभी के लिए। तो आप MBBS करेंगे वहाँ भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, आप नर्सिंग करेंगे वहाँ भी देना पड़ेगा, फार्मेसी करेंगे वहाँ भी देना पड़ेगा, हर एक डिसिप्लिन में आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा खुश मत होइए, इसको देखिए कि आप इसको पास कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा, ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिस पर होगा। आपका जो जितना भी क्लिनिकल एक्सपोजर है लास्ट के 1 ईयर इंटर्नशिप पर, उसके बेसिस पर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस आपका सारा है आयुर्वेद वाला, यूनानी वाला, सोवा रिग्पा वाला या सिद्धा मेडिसिन वाला, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉब्लम बेसिस पर आएंगे। MCQ आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे अभी मैं वीडियो में उसको आगे बताऊंगा। तो आपके क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स के लिए, मेडिकल एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेडिकल एथिक्स जानते हो क्या होते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि आपके पास में कोई, आप मेल डॉक्टर हैं और एक फीमेल पेशेंट आपके पास में आई है, तो आपका ये रूल है कि आप या तो किसी फीमेल अटेंडेंट की प्रेजेंस में उस फीमेल पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसके घर में से उसके साथ कोई होना चाहिए रिलेटिव्स में से। ये एक तरह का मेडिकल एथिक्स है, ऐसे हज़ारों लाखों मेडिकल एथिक्स हैं। तो आपका मेडिकल एथिक्स का सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा आने वाला है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आएंगे आपको और मेडिकल एथिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, और क्या है, एबिलिटी टू डील विद मेडिको लीगल केसेस। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद वाले फंस जाते थे मेडिको लीगल केसेस में, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता था। अभी आपका ये सारा नेक्स्ट के एग्जाम के लिए आपको ये मेडिको लीगल वगैरह सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आप फंसेंगे नहीं, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो मेडिको लीगल केसेस में अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, सोवा रिग्पा में।
इसके बाद कंडक्ट कौन कराएगा इस एग्ज़ाम को, तो ये जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है NCISM किसी भी कंपनी को दे सकता है कंडक्ट कराने के लिए। NTA से तो अल्लाह मेरा बचाए, तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। तो कोई भी एजेंसी को दिया जा सकता है कंडक्ट कराने के लिए। और ये होगा कब, तो ये हर साल दो बार हुआ करेगा, साल में दो बार होगा नेक्स्ट का एग्ज़ाम। और साल में दो बार जो होगा कौन कौन से महीने में होगा, फरवरी में होगा और अगस्त में होगा, हर साल इन दो महीने में होगा। लेकिन 2024 में फरवरी तो निकल गया, तो फरवरी के महीने में क्या होगा, अब अगस्त भी बिल्कुल आ गया है पास में, तो ये फरवरी के महीने में मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। और किन लोगों के लिए मैंडेटरी है, कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, किस किस को ये देना ही पड़ेगा, वो अब ध्यान रखिएगा आप। अब कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सबसे पहली बात, कोई अगर इंटर्न है और जिसने 200 दिन मिनिमम 270 डेज 270 दिन अपने इंटर्नशिप के कंप्लीट कर लिए बिफोर द क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, वो उसको देना मैंडेटरी है, ठीक है, वो दे सकता है, मतलब वो दे सकता है। मैंडेटरी अभी किस किस के लिए है वो बताऊंगा, वो दे सकता है। इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, दे सकते हो। या फिर क्या है, आप ग्रेजुएट हैं आयुर्वेदा के, पहले ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और आपने इंटर्नशिप नहीं की है, आप बाद में इंटर्नशिप करेंगे, तो आपको जो है 1 ईयर का इंटर्नशिप कंपलसरी है, आपको वो पहले इंटर्नशिप करना पड़ेगा, फिर आपको ये नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब इंटर्नशिप से रिलेटेड क्या चीज़ है, बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस के लिए ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है, कौन कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 21-22 बैच का एग्ज़ाम, आयुर्वेद वाले 21-22 वाले इस एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी हैं, या फिर 22-23 वाला जो बैच है BAMS का वो देंगे, या 23-24 वाले देंगे, या उससे पहले के देंगे, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें सिंपल सा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जिन लोगों का इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 को या उसके बाद शुरू हुआ है, या तो शुरू हुआ है 20 दिसंबर 2023 को या फिर शुरू हुआ है इसके बाद, उन सभी पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम मैंडेटरी कर दिया गया है। आप किसी भी बैच से हैं, आपका कोर्स किसी भी साल में शुरू हुआ है, अगर आपका इंटर्नशिप 20 दिसंबर से शुरू हुआ है या 20 दिसंबर 2023 के एक भी दिन कभी बाद से शुरू हुआ है, तो आपके लिए मैंडेटरी है। याद रखने वाली बात यह है, अगर आपका इंटर्नशिप मान लीजिए 19 दिसंबर 2023 को हुआ है शुरू, आपका जो डेट है, तो आप बच गए, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप बच गए। एक दिन पहले भी अगर आपका शुरू हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ है कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब आरंभ होना, शुरू होना, अगर आपका एक दिन पहले भी शुरू हो गया तो आप बच गए। लेकिन अगर 20 को हुआ या 20 के बाद हुआ तो आपके लिए मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी बैच से हो, कभी भी आपका एडमिशन हुआ हो, किसी भी साल में हुआ हो, इंटर्नशिप अगर इस डेट से शुरू हुई है तो आपको ये देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बहुत से लोग कहते थे कि 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, अब NCISM ने क्लियर कर दिया है इस चीज़ को, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो। साल में दो बार होता है, आप जितने चाहें इसके नेक्स्ट के लिए, जितने चाहो, कोई लिमिट नहीं है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जितना मर्जी चाहो आप एग्जाम दो, जब तक आपका पास ना हो तब तक दो। इसके बाद दोज इंटर्न्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप, मतलब कि इंटर्न है, इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है बट क्वालिफाइड इन नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो मैंने बताया था 270 दिन की हो गई है इंटर्नशिप, वो एलिजिबल है देने के लिए, लेकिन इंटर्नशिप पूरी एक साल की नहीं हो पाई थी, 365 दिन की, लेकिन वो एग्जाम में बैठे और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, अब वो सोचेंगे कि इंटर्नशिप छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर की इंटर्नशिप मैंडेटरी है, वो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब ये किस किस के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब किस किस जॉब लोकेशन पे मैंडेटरी नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मान लीजिए आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं BAMS करने के बाद में,
तो कोई भी ऐसी जॉब जिसमें क्लिनिकल एक्सपोजर मैंडेटरी नहीं है, जहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, आप वहां पर एलिजिबल हैं जॉब करने के लिए। प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी प्राइवेट जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, या किसी भी दुनिया के डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ पर आयुर्वेद को लेते हैं, अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है तो आप वहाँ पर एलिजिबल हैं जॉब करने के लिए विदाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है नेक्स्ट नहीं निकाला तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं जिसमें क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर ज़रा सा भी आएगा वहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंडेटरी है, पहले नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्वालिफाई करेंगे और अपने स्टेट में आप रजिस्टर करा सकते हैं खुद को, नेशनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपका ये नहीं हो पाता है क्वालिफाई, तब तक आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते खुद को, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। प्लस जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, MD करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं आगे चल करके, या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं आयुर्वेद के बाद में, यूनानी के बाद, सोवा रिग्पा के बाद, सिद्धा के बाद, उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उनको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। इसके बाद कितने मार्क्स चाहिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, आप ये मान लीजिए आपका अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, वैसा नहीं होगा। 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे, आपका क्वालिफाई हो गया नेक्स्ट, अब आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को किसी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, नेशनल में या स्टेट, आपका जहां पर भी रजिस्टर है वहां पर कर सकते हैं आप। तो 50% नंबर जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है, 50% ये ओनली 50%, 100 में से 50 ले आओगे हो जाएगा। अब एक्चुअल देखते हैं कि कितने नंबर का पेपर आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 120, टोटल मार्क्स होंगे 480, 120 नंबर का क्या आएगा आपका, 120 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 480 होंगे, टेस्ट का ड्यूरेशन जो होगा वो 180 मिनट का होगा, क्वेश्चंस जो होंगे सारे MCQ टाइप होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपको एक नंबर की होगी। तो आप देख लीजिए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 नेगेटिव मार्किंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ 480 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 240 नंबर आपको लेकर के आने हैं, 50% लेकर आने हैं और आपका नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किस किस लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो आयुर्वेदा है वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, यूनानी जो है वो इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी होगा। तो जो लोग ये कहते थे कि आयुर्वेद में हिंदी पढ़नी पड़ती है, मैं मुँह बना देते उल्टे सीधे, इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिद्धा मेडिसिन इंग्लिश में होगा, तमिल में होगा, क्योंकि तमिल वगैरह जिधर ये जितना भी रीजन है जहाँ तमिल बोली जाती है वहाँ पर आयुर्वेद से ज़्यादा सिद्धा मेडिसिन को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद सोवा रिग्पा ये इंग्लिश में होगा और बहुत ही लैंग्वेज है इसमें होगा। अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम का, सिलेबस जो रहेगा इसका, जो भी आपका UG यानी कि जो आपका नॉर्मल कोर्स का सिलेबस था आयुर्वेद का, BSMS का, BUMS का, BSR MS का, इन सब का जो नॉर्मल पूरे 5 साल का, 4 साल का सिलेबस है वो आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चंस आएंगे इन्होंने पहले ही बता दिया था, वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होंगे आपके और आपका मेडिको लीगल आस्पेक्ट से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो होंगे। तो मेडिको लीगल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वकील बन जाओगे भाई साहब, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट है, जब ये हो जाएगा तो NCISM आपको आपका नेक्स्ट एग्जाम का सर्टिफिकेट दे देगा, उसे आप अपने क्लिनिक में बड़ा सा फ्रेम करवा के टांग सकते हो कि भैया हम नेक्स्ट एग्जाम पास करके आए हैं, हम क्या हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अब आप हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट नेक्स्ट एग्जाम, जितने भी क्वेश्चंस थे सब क्लियर कर दिए हैं। अब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, 2 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कंप्लीट करा दो, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।